हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं इस विषय में कि क्लास एक्शन के लिए कैसे कंप्लेंट डाली जाएगी। हमने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि क्लास एक्शन क्या होता है और क्लास एक्शन कैसे डाला जा सकता है। बहुत सारे बिल्डर्स के केसेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। आम्रपाली बिल्डर एक मशहूर केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। नेशनल कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिटेल में इस केस को लिया था। हमारा एक वीडियो आम्रपाली बिल्डर्स के केस पर भी है जो क्लास एक्शन को डिसाइड करता है। आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली क्लास एक्शन केसेस कैसे डाले जाते हैं और किन केसेस को क्लास एक्शन माना जाएगा और किस तरह के केसेस को क्लास एक्शन नहीं माना जाएगा। एक्ट में ये प्रोविजन है, एक से अधिक कंज्यूमर्स भी मिलकर इकट्ठे केस डाल सकते हैं, जॉइंटली केस डाल सकते हैं। उसमें उनका सेम इंटरेस्ट अगेंस्ट द सेम पार्टी होना चाहिए। ये तो एक है। दूसरा है कि क्लास एक्शन के लिए भी बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर केस डाल सकते हैं। उसमें डालने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो हम पहले लेंगे कि बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर एक साथ सेम इंटरेस्ट के लिए फॉर द सेम रिलीफ जब डालेंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये केस था विक्रांत सिंह मलिक एंड अदर्स वर्सेस सुपरटेक लिमिटेड। ये 2020 में ही डिसाइड हुआ जिसमें 26 कंप्लेनेंट्स ने मिलकर कंप्लेंट डाली और उसमें इशू उनका इंटरेस्ट जो था सेम था। क्या थी उनकी प्रेयर, क्या थी उनकी प्रेयर थी कि बिल्डर्स ने जो पोजेशन लेटर दिया है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बगैर दे रहे हैं, इसलिए उनको ये कहा जाए ऑफर को विड्रॉ करें। दूसरा, कार पार्किंग के लिए और क्लब के चार्जेस के लिए डिमांड रेज की है जो कि गलत है, उसको वापस लिया जाए। फ्लैट्स की कॉस्ट बढ़ा दी है, उसको भी वापस दिया जाए। और ये भी प्रार्थना की गई कि इस बिल्डर के कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस को ही कैंसिल किया जाए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे छोटे मोटे चार्जेस थे, मैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का इंस्टॉलेशन का चार्जेस, वाटर कनेक्शन का चार्जेस और सारी चीज़ों के चार्जेस भी जो लगाए हैं वो भी गलत लगाए हैं, तो बिल्डर इसको भी विड्रॉ करे। और जितना पोजिशन डिले किया है उसके लिए पेनल्टी लगाई जाए बिल्डर पर और वो पेनल्टी भी पे करे कंज्यूमर्स को या होम बायर्स को। ये सारी चीज़ें, सारे जो इश्यूज थे, सभी 26 लोगों के इश्यूज थे और 26 लोगों की यही डिमांड थी। किंतु अंतर क्या था, अंतर ये था कि इन सब के अपार्टमेंट अलग अलग थे, बायर एग्रीमेंट की डेट भी अलग थी, एग्जीक्यूशन की डेट भी अलग थी, प्राइसेस भी फ्लैट्स के अलग थे और एरिया भी फ्लैट्स का अलग अलग था। तो एक प्रश्न तो ये बना था कि क्या अलग अलग एरिया और इतने सारे उनके डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या 26 लोग एक साथ केस दायर कर सकते हैं। तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सारे के सारे 26 फ्लैट होल्डर्स जब एक ही रिलीफ मांग रहे हैं और एक ही बिल्डर के अगेंस्ट केस डाल रहे हैं तो उनका
फ्लैट का एरिया, एग्रीमेंट की डेट सब अलग होने के बावजूद भी सारे एंटाइटल्ड हैं, एक केस जॉइंटली डाल सकते हैं। अब दूसरा इशू ये था कि केस डाल तो सकते हैं और उनके केस की सुनवाई हो तो सकती है, किंतु इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये क्लास एक्शन नहीं माना जाएगा। सबका अलग अलग ऑर्डर हो सकता है, एक कॉमन ऑर्डर भी हो सकता है, सबका अलग अलग ऑर्डर भी हो सकता है, तो पर इसके लिए बेनिफिशियरी केवल वही होंगे, 26 लोग ही होंगे, और ये क्लास एक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्लास एक्शन तब होता है जब सारे लोग एक साथ मिलकर डालते तो हैं, किंतु एक पहला लीडिंग केस होता है और उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो सारे लोगों के बिहाफ पर रिलीफ मांगे और वो सबको रिलीफ मिले, उसको क्लास एक्शन कहेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एसोसिएशन, जैसे कोई वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन है, या कोई हाउसिंग सोसाइटी है वो कोई है, या कुछ लोग मिलकर एक को अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम रिप्रेजेंट करो, उसको क्लास एक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया है कि किस तरह से इसको अलग अलग करके किया जा सकता है, ये क्लास एक्शन नहीं होगा, ये फाइल तो कर सकते हैं किंतु इनके अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं, किंतु अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव एक होता है और सबके बिहाफ पर सेम रिलीफ मांगता है, तो सब पर वो जो ऑर्डर होगा वो सब पर एक ही लागू होगा, जो भी ऑर्डर होगा सबके लिए होगा, सबके बेनिफिट के लिए होगा, और एक ऑर्डर सब पर एप्लीकेबल होगा। ये अंतर होगा क्लास एक्शन में और सारे लोगों के मिलकर बात करने के, सब लोगों के मिलकर केस फाइल करने में। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, नेशनल कमीशन ने इन 26 लोगों की कंप्लेंट को ये कहकर कि सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट से तो है, तो ये अलग अलग करके अपने केस को डाल सकते हैं क्योंकि कॉमन एक नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नहीं, डाल तो सकते हैं ये केस, पर नेशनल कमीशन को वापस भेजा कि आप इसमें जो रेक्टिफिकेशन करवाना है, जो उन्होंने बीच में आर्गुमेंट के टाइम पर उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, उनके एडवोकेट ने कहा कि अगर इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं रह गई या कोई बात रह गई है या कोई उसमें डिफेक्ट है कंप्लेंट में, तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेजा कि इसको रेक्टिफाई करिए। समझ लीजिए कि रेक्टिफाई क्या करना है, रेक्टिफाई ये करना है कि somebody has to represent, कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट करे सबके बिहाफ पे, तो ये क्लास एक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने आज आपको डिटेल में समझाया कि क्लास एक्शन कैसे होगा, ये थोड़ा सा फर्क है, इसको समझ लीजिए और अपनी प्लेंट बनाएंगे। अगर आप क्लास एक्शन चाहते हैं तो उस तरह से फ्रेम करेंगे, उसमें कंप्लेंट बनाने का तरीका अलग होगा और कंप्लेंट डालने वाला भी या तो कोई कंज्यूमर एसोसिएशन हो या कोई हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हो वो कर सकती है, या फिर आप जिसको भी बना रहे हैं किसी को अथॉरिटी देंगे, रिप्रेजेंटेटिव तय करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द केसेस, अलग अलग अगर सबके नाम से होगा तो वो एक डिफरेंट इश्यू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।